Assalamualaikum, this is Nawabzada. Guys, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे. सो आज जो है हम लोग आए हैं पिशावर की लाइब्रेरी में. आप लोगों को जो है लाइब्रेरी दिखाते हैं आज के पिशावर की लाइब्रेरी में हमें क्या क्या मिल सकता है और यहाँ पे कौन कौन सी बुक्स जो है हम लोग को मिल सकती है. सो अंदर चलते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों को दिखाते हैं अंदर की क्या सीखते हैं. यह पिशावर की लाइब्रेरी है, तो हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं. लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं, फिर आप लोगों को बताते हैं कि अंदर हमें क्या क्या मिल सकता है, किस तरह की बुक्स अंदर पड़ी हुई हैं और अंदर हम लोगों को देखने में क्या मिलता है. तो दोस्तों, ये पिशावर की लाइब्रेरी है और यहाँ पे काफ़ी खामोशी है. तो अभी हम गाइस ऊपर जाते हैं, देखते हैं ऊपर क्या है. पिशावर लाइब्रेरी नोट्स वगैरह लिखे हुए हैं. सो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे अंदर आ चुके हैं. ड्यू टू लाइब्रेरी के रूल्स यहाँ पे हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं, शोर नहीं कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो है हमें शायरी की बुक्स मिल जाती हैं. गाइस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हर शायर की बुक जो है पड़ी हुई है. जितनी भी बुक्स आप देख रहे हैं गाइस, ये सारी शायरी की है. तो गाइस, यहाँ पे हम लोगों को बुक्स मिल जाती हैं तारीख आलम की और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जितनी भी है. सो ये मैं आपको दिखाते चलूं. करकराम के कबाइल. सो यहाँ पे जितने भी खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बुक्स हैं वो यहाँ पे पड़ी हुई है. यहाँ पे इनका रेफरेंस दिया हुआ है साथ में. और डॉक्टर मुबारक अली, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब हर चीज़ का जो है काफ़ी सीक्वेंस में रखा गया और आप लोगों को बड़ी आसानी से मिल जाती है यहाँ पे बुक्स. दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के यहाँ पे आपको ये भी मिल जाएंगे कि दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक जो हैं उनके बारे में मिल जाएगी. काफ़ी बुक्स पड़ी हुई हैं यहाँ पे. इनका स्टाफ बैठता है और यहाँ पे हमें मिल जाते हैं नॉवल्स. ये नॉवेल्स का ब्लॉग है. साइलेंस, द रूल ऑफ साइलेंस मस्ट बी ऑब्जर्व. सो ये बात जरूर आप अपने साथ रखना कि जब भी आप लाइब्रेरी आए तो यहाँ पे जो है आप लोगों को साइलेंस का काफी ध्यान रखना पड़ता है कि आपको यहाँ पे बोलना नहीं पड़ता. लाइब्रेरी में इतना तो आप लोगों को भी पता होगा गाइस के बोल चाल मना होती है. उर्दू आदाब के हवाले से बुक्स पड़ी हुई है यहाँ पे. यहाँ पे फारसी के. सो ये जितना भी गाइस एरिया है यहाँ, जितना भी ब्लॉक है, सारी जो है उर्दू के हवाले से पड़ी हुई है. ये तालीम के हवाले से पढ़ी हुई है. तो दोस्तों, ऊपर चलते हैं, जरा ऊपर का चक्कर मारते हैं कि ऊपर हमें किस हवाले से बुक्स मिल सकती हैं. बस यहाँ हम ऊपर आ चुके हैं. आई थिंक सो ये साइंस सेक्शन है. यहाँ पे हमें मिल जाती है जनरल मैनेजमेंट की, मैनुफैक्चरिंग की, मैनुफैक्चरिंग का ब्लॉक है. और यह हमें मिल जाती है बिल्डिंग की, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह जितनी भी होती है. केमिकल इंजीनियरिंग, ये एडवर्टाइजमेंट की बुक है.
गूगल एडवर्ड्स, ये काफ़ी अच्छी बुक है गाइस एड्स के हवाले से, और ये साथ में पढ़ी हुई है एडवर्टाइजमेंट मैनेजमेंट। सो काफ़ी यहाँ पे जो है देख सकते हैं आप लोग, क्लीन एनवायरनमेंट है, यहाँ का स्टाफ आप लोगों को यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि तकरीबन 7:30 पे जो है लाइब्रेरी बंद हो जाती है, क्लोजिंग टाइम जो है लाइब्रेरी का 7:30 है। सो इस वजह से जो है लाइब्रेरी की क्लोजिंग का टाइम है, इस वजह से यहाँ पे कोई ख़ास स्टाफ नज़र नहीं आ रहा। ये फिज़िकल केमिस्ट्री। तो दोस्तों यहाँ से नीचे जाके मिलते हैं हमारे असिस्टेंट लाइब्रेरियन जिनका नाम महताब साहब है, उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। मेरा नाम महताब सहर है और मैं पिशावर लाइब्रेरी में एज असिस्टेंट लाइब्रेरियन भी, मैं दो साल से तकरीबन ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। यहाँ पे हमारे डेली बेसिस पे तकरीबन 300 से 400 मेंबर्स डेली बेसिस पे आते हैं। इसमें स्टूडेंट्स आते हैं, जनरल पीपल आती हैं, ओल्ड सिटीजन आते हैं, फॉरनर्स आते हैं। यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 3-4 पोर्शन हैं जिनमें साइंस का पोर्शन है, सोशल साइंसेज है, उर्दू लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर है, रेफरेंस है, रिकॉर्ड सेक्शन है, अखबार का हमारे पास सिस्टम है, रीडिंग रूम है, अखबार का रिकॉर्ड है हमारे पास तकरीबन 1947 से लेके टिल डेट तक। और महताब साहब हमें ये बताइएगा काइंडली कि ये लाइब्रेरी कब खुलती है और कब क्लोज होती है? लाइब्रेरी की जो टाइमिंग्स हैं सुबह 9 से शाम 7:30 बजे तक होती है, और वीक में इसकी ऑफ कोई नहीं होती, छुट्टी नहीं होती, और हफ्ता इतवार जो ये ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम है इसका, हफ्ते और इतवार को 9 से 4 है, बाकी पीर से लेके जुमे तक ये 9 से 7:30 बजे तक होती है। ओके सर, थैंक यू सो मच महताब साहब।